नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनी हेल्थ कैप्सूल में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं महिपाल रावत जी, जो धन्वंतरी में काफी समय से काम कर रहे हैं। आज वो आपको बताएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट धन्वंतरी के ऐसे हैं जो आम आदमी के लिए और जो रोगों से पीड़ित है उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं महिपाल रावत जी से। महिपाल जी नमस्कार, आपका सनी हेल्थ कैप्सूल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, नमस्कार, मैं महिपाल सिंह रावत, सनी हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि धन्वंतरी के प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, तो ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है इमरुज। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो इमरुज का ये किस चीज से बनाया हुआ है कैप्सूल, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, और शरीर में किस तरह से काम करता है, किन किन बीमारियों में काम करता है, तो वही मैं आज आपको इसकी जानकारी आपको देना चाहूंगा। महिपाल जी, इसमें ऐसा कोई, सबसे पहले आप बताइए किन रोगों में इनका उपयोग किया जाता है, सबसे पहले उपयोगी किन किन रोगों में है, जैसे कुछ लोग पीड़ित हैं उन लोगों को ये पता चल सके कि इस प्रोडक्ट का यूज कहाँ पर करना चाहिए। चलिए बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, आजकल जो आम चल रहा है, सीजन चल रहा है बरसात का, डेंगू, आजकल डेंगू मलेरिया चलता है, डेंगू में प्लेटलेट्स लोगों के डाउन हो जाती हैं, बिल्कुल भी खिल जाती हैं, कैंसर होता है आपके जैसे शरीर में, कैंसर, पैरालिसिस है, हार्ट की ब्लॉकेज बन जाती हैं, तो ऐसे तमाम न्यूरोसर्जरी जैसे आपका सर्वाइकल की प्रॉब्लम चलती है, उन तमाम जगहों में ये प्रोडक्ट काम करता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट ये गाय के दूध से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, तो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करने वाला, और ये गाय के दूध स्टार्टिंग का 3 दिन का जो दूध होता है उसी दूध से बनाया गया कैप्सूल है। अच्छा महिपाल जी, अगर जैसे आपने बताया डेंगू की प्लेट से अगर काफी डाउन हो चुकी है, जैसे 20,000 तक अगर पहुंच चुकी है किसी व्यक्ति की, तो ये कितने दिन में या कितने घंटों में असर करता है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए अगर प्लेटलेट 20,000 भी चली गई होंगी तो सिर्फ 72 घंटे का हमें समय देना होगा। 72 घंटे में जो इसकी डोजेस बताई गई है, ये हम लोग जो आपको बताएंगे किस तरह से देना है, इसके साथ हमें कुछ और चीज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 72 घंटे का समय चाहिए आपका। 72 घंटे में आप दोबारा अपना रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपको 3 लाख से 4 लाख के बीच में आपको प्लेटलेट्स पहुंच गई होंगी। बहुत ही फायदेमंद दवाई है, आप एक बार जरूर उसका उपयोग कीजिएगा अगर कोई डेंगू से पीड़ित है, क्योंकि ऐसी दवाइयां बहुत कम मिल पाती हैं जो इतनी जल्दी असर कर सकती हैं। और महिपाल जी आपने बताया इम्यूनिटी के लिए बेस्ट मेडिसिन है, आपने इस तरीके से बताया, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो बताइए इम्यूनिटी बूस्टिंग में कहां कितने दिन तक इसका उपयोग करना जरूरी होता है? जैसे इम्यूनिटी का हमारा बीमार हम कब लोग कब पड़ते हैं, जब हमारा इम्यूनिटी डाउन होता है, तो स्टार्टिंग में जब हमारी इम्यूनिटी जब डाउन होती है तो हम इसको शुरू से ही, जब आपको लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस शरीर में आ रही है तभी से आप इसको लेना शुरू करते हैं, या फिर आप अपने वेलनेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं या नहीं है, अगर आपको बीमार नहीं होना है तो भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, यानी 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को, हल्दी खाली मॉर्निंग खाली पेट इसको आपको लेना रहेगा। और किसी बड़े घातक रोगों में ये उपयोगी है क्या महिपाल जी? जी बिल्कुल है, जैसे कि कैंसर, जैसे मैं आपकी कैंसर की मैं बात करता हूँ, क्योंकि बहुत जगह सुनने में आता है कि कैंसर से लोग पीड़ित हैं, और कैंसर का सबसे खास बात क्या होती है कि जब किसी की कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होने के बाद लोगों में साइड इफेक्ट होते हैं, बाली झड़ना होता है, मुंह के अंदर छाले होता है, तो जब नेक्स्ट कीमो कराता है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपना सेकंड कीमो करा सके। तो मैंने बात करी इम्यूनिटी, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप किसी भी बीमारी को लड़ने में आपको ताकत मिल सकती है। बिल्कुल महिपाल जी ने बहुत सही बात करी, एक बार कुछ कैंसर पीड़ित अगर कोई भी है उससे ग्रस्त तो जरूर उपयोग करें, इसका काफी उपयोगी है, और अगर कोई भी बीमारी नहीं है, अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस दवाई का बहुत ही आराम से उपयोग कर सकते हैं। ये थे हमारे पास साथ महिपाल जी, जो आपको बता रहे थे कि इस मेडिसिन के बारे में क्या क्या इसके फायदे हैं। अगले एपिसोड में महिपाल जी के साथ बने रहेंगे और